जय श्री श्याम, जय श्री राधे। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ। तो आज मैंने एक माइक परचेज किया है, अभी बॉक्स है, इसको अनबॉक्स करेंगे। तो इसमें मैंने मंगवाया है कंडेंसर माइक। तो कंडेंसर माइक, जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, मिक्सर चेक करवाया था आप लोगों को, और मिक्सर की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो उसी तरीके से आज हम कंडेंसर माइक और क्या है जो ऑडियो इंटरफेस है वो मैंने मंगवाया है। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इसी तरीके से अपडेट और क्या क्या मतलब इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या मतलब रिकॉर्डिंग के लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें मंगवाता रहता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ मतलब जस्ट डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो उसी तरीके से मैं लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो। और अगर आप फ्लूट सीख रहे हैं, बांसुरी सीख रहे हैं, कोई गाना सीखना चाहते हैं, आपको नोटेशन नहीं मिल रहा, तो आप मुझे क्या है कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल भी देर ना करते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं। तो फिर मैं आपको इसकी क्वालिटी चेक करवाऊँगा, साउंड भी चेक करवाऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा आप इसको परचेज करें या ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, सो देखिए फाइनली हमने क्या इसको ओपन कर लिया है। अब देखते हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वन बाय वन करके सब निकालते हैं एक एक करके। सो सबसे पहले इसको निकालते हैं, ये हमारा क्या है जो फिल्टर है माइक स्टैंड के लिए, जो फिल्टर है वो है। तो अभी देखेंगे इसको भी, जस्ट अभी इसको ओपन करेंगे। दूसरी जो है हमारे अंदर बॉक्स में, ये हमारा ये सिंगिंग लाइव साउंड कार्ड है, ये साउंड कार्ड है हमारे पास। अभी इसको भी ओपन करेंगे, हम देखेंगे इसकी साउंड भी चेक करेंगे। और उसके बाद ये हमारा ये स्टैंड है जो टेबल स्टैंड होता है, तो वो स्टैंड है, तो इसको भी चेक करेंगे। इस पूरा सेटअप तैयार करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और फाइनली ये है हमारा प्रोफेशनल ऑडियो इक्विपमेंट, तो आई थिंक इसमें माइक होगा। तो चलिए चेक करते हैं एक एक करके सब चीज़ों को। तो सबसे पहले अभी हमने जो आइटम मंगाई है, एक ये प्रोफेशनल जो ये जो प्रोफेशनल क्वालिटी का आई थिंक इसमें माइक होगा, अभी हम इसको ओपन करेंगे, टेंशन मत लो। और दूसरा ये हमारे पास एक इस बॉक्स में एक ये ऑडियो इंटरफेस होगा साउंड कार्ड, तो इसको भी चेक करेंगे अभी। और एक ये हमारे पास फिल्टर है, इसको भी ओपन करेंगे। तो ये हमने अभी अनबॉक्सिंग की है, तो इसको भी हम और भी ओपन करने वाले हैं। फाइनली अब हम इसको क्या ओपन करते हैं, तो ये देखिए इसके अंदर क्या है, हमारे पास ये बॉक्स था, हमने साइड कर दिया इसको। ये जस्ट एक फ़िल्टर है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सांस की कहीं पर आवाज़ आती है और जो साउंड है, मतलब उसको फ़िल्टर करने का काम जो क्या है, जो फ्लूट के लिए फ़िल्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फ़िल्टर मतलब बहुत यूज़फुल रहता है। तो फ़िल्टर भी हमारे पास होगा, और ये अच्छा फ़िल्टर मुझे अच्छी क्वालिटी का लग रहा है जिस तरह से मतलब है। तो चलिए पहले अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, पहले हम इसको चेक करेंगे इसके साथ करके। तो फिर अभी इसको साइड रखते हैं, दूसरी जो पैकेट है उसको ओपन करते हैं। ये हमारे पास है माइक स्टैंड, सो इसको देखते हैं इसमें क्या क्या आया होगा। जस्ट मैं आपके सामने ही अनबॉक्स कर रहा हूँ, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप इसको परचेज करें या ना करें। ये सबसे पहले ये छोटा सा है, क्या है अभी ओपन करते हैं, मुझे भी नहीं पता इसके बारे में। ये होल्ड करने का हुक है शायद, टेबल जो स्टैंड होता है, अभी इसको स्टैंड को सेटअप करेंगे तो आपको पता लगेगा इसके बारे में इसका क्या यूज़ है। अभी इसको साइड रखते हैं और चीज़ निकालते हैं। ये देखिए एक इसके साथ ये माइक की जो क्लिप होती है जिसको बोलते हैं, ये वैसे अगर हम परचेज करने जाते हैं तो 150 रुपये 200 रुपये तक की मिलती है, लेकिन इसके साथ फ्री मिली है। तो फ्री तो कुछ भी नहीं होता, इसका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चार्ज उन्होंने लिया होगा जरूर। तो ये है, उसको साइड रखते हैं। और अब ये हमारे पास एक टेबल स्टैंड है, मतलब ये कंडेंसर माइक के लिए मुझे लगता है ज़रूरी भी होता होगा। तो चलिए कोई नहीं, हम जैसे जैसे इसको यूज़ करेंगे फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे इसको सेटअप करके मैं पूरा आपको फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि ये क्या है, ये इसमें स्टैंड है। तो दूसरा बॉक्स अनबॉक्स करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास साउंड कार्ड है, तो देखते हैं इसमें है क्या। जस्ट तो ये कैसे खुलेगा, इसको ओपन करना भी बहुत बड़ा चैलेंज का काम है आई थिंक। तो ऐसे ही खोल देते हैं इसको, ऐसे खुलेगा ये। तो ये छोटा सा साउंड कार्ड है,
आप देखिए इसके अंदर हमारे को मिली है, ये एक डाटा केबल है, छोटी सी टाइप नहीं है, ये भी नॉर्मल जो रहती है। एक ये दोबारा से एक फ़ोन के लिए है, ये भी सी टाइप नहीं है, तो आई थिंक फ़ोन के रिगार्डिंग तो फिर ये अनयूजफुल है हमारे लिए। एक और ये दी है, तो चलो देखेंगे अभी इसको ओपन कर लेते हैं। एक ये छोटा सा हमारे पास क्या है, ऑडियो इंटरफेस है बाहर, तो ये देखिए अभी इसको बिल्कुल छोटा सा है, तो यूज़ करेंगे फिर मैं आपको बताऊँगा इसको क्या इसका यूज़ है, कैसे क्या होता है। तो अभी तो जस्ट चलो देखते हैं इसको, अभी इसको साइड रखते हैं और दूसरी चीज़ देखते हैं। आई थिंक इसमें हमारा माइक होना चाहिए प्रोफेशनल ऑडियो इक्विपमेंट में। तो ये फाइनली ये है हमारा कंडेंसर माइक ब्लैक कलर का, इसको ओपन करके दिखाते हैं। तो अभी हम इसके सिर्फ लुक से ही नहीं कुछ भी कहेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए, और वो भी साउंड क्वालिटी। तो वो पहले इसको ओपन करते हैं। इसके साथ एक ये ऑडियो डिवाइडर, आई थिंक पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटर इसको बोलते हैं, तो ये भी है, इसको भी देखेंगे यूज़ करेंगे, ये भी बड़ी यूज़फुल होगी, कहीं ना कहीं इसकी जरूरत होगी तभी हमें। एक इसके साथ ये ऐसे वाली केबल हमें मिली है, और दूसरी साइड इसका ये है। तो चलिए, और उसके बाद ये हमें मिला है एक इसका जो क्या है, एक ये है, ये फिल्टर के लिए है, तो ये आई थिंक इस पर लगता होगा, तो ये लगाई दिया हमने अभी, बाद में तो क्या करेंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा कवर, ये भी फिल्टर का काम करेगा। दूसरा ये इसको होल्ड करने के लिए आई थिंक ये इसमें माइक होगा, मतलब माइक का होल्ड करने का ये स्टैंड होगा, इसके अंदर हमारा माइक है, ऐसे फिट होगा। तो चलिए इसको सेटअप करते हैं पूरा, फिर मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी सब कुछ दिखाता हूँ। और इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक बिल है, और जस्ट चलिए। सो अब तक जो वॉइस आपने सुनी वो बोया माइक की थी, और अब मैंने अपना कंडेंसर माइक दे दिया है। सो ये विद फिल्टर विदाउट फिल्टर है, और अगर हम फिल्टर लगाएं, हेलो हेलो हेलो, तो थोड़ी सी नॉइस जो है, क्रिस्टल जो है वो थोड़ा सा कम हो चुका है। और एक हमारे पास हेलो, सो अब हम यहाँ से इसको बजा सकते हैं। सो फाइनली मैंने इसको क्या है कनेक्ट कर लिया है, और ये जो आवाज़ सुने ये भी बोया, इसी बोया माइक की नहीं है, इसी माइक की है, कंडेंसर माइक की। तो काफ़ी क्रिस्टल साउंड मुझे मतलब लग रही है इसकी, काफ़ी अच्छा है। तो चलिए जिसके लिए मैंने मंगवाया है फ्लूट के लिए वो प्ले करके देखते हैं।